नमस्कार भैया, मैं हूँ सोनू सत्या और आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज यूट्यूब चैनल। तो सबसे ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोग को यह दे रहा हूँ जो कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के विवाद पर मैंने बहुत ही बड़ा खुलासा, बहुत ही सच्चाई, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोग के बीच शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले किन्हीं लोगों का फैंस, प्लीज आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा वॉचिंग कीजिएगा ताकि मैं जो भी बताऊंगा आप लोग को सटीक समझ के आएगा, जो कि सारे स्टार यानी पब्लिक यानी आप लोग को बहुत ही बड़ा धोखा आप सभी को दे रहे, बहुत ही बड़ा बुरबक आप लोग को समझ रहा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से सारा सच्चाई बताऊंगा तो आपको सामने आएगा कौन सही कौन गलत है। मैं नहीं, ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। इससे पहले मैं बता दूं, आप लोग देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज और मैं हूं सोनू सत्या, प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले शुरू से लेते हैं, पॉइंट से या बात को लेते हैं, जो कि विवाद शुरू कहां से हुआ। तो विवाद हुआ यानी पवन भैया जब पटना आए थे प्रोग्राम करने, तो वहां पे बोले पब्लिक ऑडियंस जितने भी समाज के लोग होते उनको हम भगवान मानते हैं, उसके अलावा मैं ये नहीं लगाता, जो कि ये लैंग्वेज जो बोले वो मैं आप लोग को नहीं बता सकता, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो ये उन्होंने बोल दिए। इसके बाद कल होके खेसारी भैया इंस्टाग्राम से अपने अकाउंट के माध्यम से लाइव आके न जाने क्या क्या बोलते हैं, जो कि आप लोग खुद सुन मतलब आप लोग लाइव मैंने वीडियो चढ़ाया था, आप लोग देख लिए होंगे। लेकिन उन्होंने और भी खेसारी भैया ने क्या बोले कि यादव का दिमाग घुटना में होता है। उसके बाद न जाने पवन भैया के लिए क्या क्या नहीं बोले कि दारू पी के स्टेज पे नाचते हैं, स्टेज प्रोग्राम करते हैं। चलिए कोई भी फैन होंगे आप लोग कमेंट अभी नहीं कीजिएगा और आगे बात करते हैं। ये तो दोनों में लाइव आ गए खेसारी भैया, तो विवाद चल गया। लेकिन अब हम पॉइंट करते हैं, जो कि पवन भैया ने जब स्टेज पे बोले ऑडियंस माता पिता और जितने भी लोग उनको मान के अलावा किसी को नहीं मानते क्या? अगर पवन भैया अगर किसी को नाम नहीं बोल नाम लेके बोलते कि मैं खेसारी को अगर यहाँ से भी नहीं लगाता हूँ, तब खेसारी भैया को लाइव आना चाहिए। पवन भैया जब बोले तो उन्होंने तो नाम लेकर किसी को नहीं बोले, तो जब नाम लेकर नहीं बोले तो खेसारी भैया को लाइव आना क्या उचित था? मैं उनसे नहीं, मैं आप सभी जनता से पूछना चाहता हूँ। आप दिमाग से मेरा बात सोचिएगा कि लड़का कहाँ से बात बोले। मैं जो भी मैं भैया बताऊंगा आप लोग को सच्चाई इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोग खुद सोचिए। जब पवन भैया खुलियाम इस चीज को बोले तो खेसारी भैया अपने आप पर एक्सेप्ट इस बात को क्यों किए? क्या उन्होंने नाम लेके बोले कि मैं खेसारी को ही बोल रहा हूँ, कि खेसारी हमसे पीछे है, खेसारी मेरा ई है वो है, कुछ उन्होंने बोले? नहीं बोले। तो खेसारी भैया अपने आप पे क्यों ले ले? चलिए सबका अपना अपना सोच होता है, उन्होंने भी सोचे होंगे कि मेरे ऊपर ऐसा वो बोल रहे हैं, चाहे यह भीतर का ही। यानी आप लोग सोच सकते हैं, जब 5 साल पहले बैक चले जाइए इंडस्ट्री में, तो उससे पहले क्या होता था, खेसारी भैया पवन भैया जितने ही भोजपुरी के कलाकार हैं सब लोग के साथ साथ एक साथ ही स्टार लेवल का फिल्म आता था। लेकिन मैं सच्चाई आप लोग को बता दूं, जब ये स्टेज पे बोले इसका मतलब ये भी तो हो सकता है इससे पीछे का राज, यानी ये तो खुलियाम बोले तो पब्लिकली यानी सब लोग जान गए, लेकिन हम लोग जानते हैं कहाँ पर क्या होता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मेरा जो सोच है, मेरे जो अनुभव सोचने का तरीका है, मेरे हिसाब से लगता है कहीं ना कहीं जो भीतरी है यानी पब्लिकली से अंदर, यानी इन लोगों में दुश्मनी रहा होगा या कुछ लोगों का विवाद चलता होगा भीतरी भीतरी, तब इतना गुस्सा में खेसारी भैया चाहे पवन भैया कुछ भी हुआ लाइव हुआ, इतना विवाद इंडस्ट्री में बढ़ा कि कौन क्या तारी पीता है, कौन क्या दारू पीता है, कैसा कैसा इसका स्वभाव है, पब्लिकली बताना क्या जरूरी है? आप ही लोग सोचिए, जब दो बड़े स्टार आपस में लड़ेंगे तो तीसरा तो मजा उठाएगा ही ना, तीसरा तो फायदा उठाएगा, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ से आगे बढ़ेगा? ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ। आज विवाद हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद आप लोग सुनने को मिलेगा कि खेसारी भैया पवन भैया के एक साथ फिल्म आ रहा है, उन्होंने एक साथ एक ही छिपा में खाना खा रहे हैं, इसमें बुढ़वा कौन बन रहा है, हम बन रहे हैं, आप लोग बन रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जितने भी आप लोग के नजर में जो भी कलाकार किस तरह का लग रहा है आप लोग उसे बायकॉट क्या कीजिएगा, आप लोग उस कलाकार को ऐसे उभरते हुए कलाकार को आप लोग सपोर्ट कीजिए जो कि आप लोग के नजर में अच्छे हो, चाहे गायक हो या गायिका हो या एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो चाहे जो भी हो। आप लोग अभी मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी लोग स्टार बन जाते हैं लेकिन उनके बैकग्राउंड के पीछे जानते हैं कैमरामैन होता है, डीओपी होता है, डायरेक्टर होता है, डांस मास्टर होता है, मॉडल होता है, कभी उन लोगों को नाम बताए कि मेरे पीछे इतना कैमरामैन खर्चा कर दिए पैसा से नहीं यानी मेहनत से, डांस मास्टर मुझे ऐसा सिखाए,
मूडल ने इतना अच्छा मेहनत की, लेकिन आप लोग किसे जानते हैं, यानी अभी मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे आप लोग यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पेज पे, तो आप लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो ये है वो है, लेकिन मेरे पीछे जो कैमरामैन काम करते हैं मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं, जो मेरा प्रमोटिंग करते जो मेरा मैनेजर है उनको मैं कैसे भूल जाऊं, जो मेरा बैकग्राउंड सपोर्टर है। तो मैं इस विवाद पे मैं आप लोगों से क्या कहूं, आप लोगों को सबसे ज्यादा बुड़बक इसमें बनाया जा रहा है, और एक न एक दिन दोनों कलाकार आपस में रहेंगे, और मैं तो यही गुजारिश करूंगा आप दोनों स्टारों से प्लीज आप लोग आपस में मत झगड़िए, और न तो भोजपुरी इंडस्ट्री इनका है न ही तो उनका है, भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा पब्लिक समाज का है, पब्लिक से ही इंडस्ट्री चलता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आप सभी से, और जनता भगवान श्रुति आप लोगों से, आप लोग यही काम कीजिए, कोई भी गाना उनाता है सब, हाँ, और मान कर चलिए यहाँ पे तो जातिवाद बटा गया यादव समाज और राजपूत समाज, भाई इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया है? आप अजय देवगन का मूवी रिलीज होता है तो क्या उसमें जातिवाद कभी आप लोग सुने हैं? नहीं सुने। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक तो छोटा सा है ही, और इसमें जातिवाद लाके हमें लगता है अब यहीं पर ये इंडस्ट्री काम 35 यानी टूट जाएगा, तो हमें नहीं लगता है कि इंडस्ट्री बढ़ पाएगा। भैया रब्बी किशन जी, मनोज तिवारी क्या क्या करती, कभी आज तक उन्होंने बोले कि मैंने भोजपुरी के लिए क्या किया नहीं किया? आई डोंट नो, बट मैं क्या करूं, जो मुझे अनुभव लगा मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। यही उम्मीद करूंगा आप सभी से, जितने भी ऑडियंस आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग मुझे लाइक नहीं कीजिए वीडियो को, प्लीज आप लोग कमेंट यानी अपना जवाब नीचे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को जितना हो पाएगा आप लोग ज्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज खुल जाए, चाहे उन लोगों के जितने भी चमचा हो उन लोगों को कम नॉलेज खुल जाए। तो आप सभी को क्या है कहना इस विषय पे कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और विनती है अगर आप लोग चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर से मिलते कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।